बिसमिल्ल रहीम असल वेलकम बैक और लेक्चर नंबर फोर्टी जी लेक्चर नंबर फोर्टी में आज हम आ, देखेंगे सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस ठीक है जी तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस हमारे पास क्या होती है Amazon Simple Notification Service और SNS भी बोलते हैं इसको इज़ अ वेब सर्विस दैट मेक्स इट इज़ी टू सेटअप ऑपरेट एंड सेंड नोटिफिकेशन फ्राम द क्लाउड ठीक है जी तो आप क्लाउड के ऊपर से जब कोई नोटिफिकेशन uh, सेंड करना चाह रहे हैं कोई मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं या कोई ई सेंड करना चाह रहे हैं या कोई एच को नोटिफिकेशन सेंड करना चाह रहे हैं तो वो आप क्लाउड के ऊपर वाया एस एन एस सर्विस कर सकते हैं ठीक है इट प्रोवाइड्स डिवेल्पर्स विद अ हाईली स्केलेबल फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव कैपेबिलिटी टू पुश मैसेजेस फ्रॉम एन एप्लीकेशन अच्छा मोस्टली ये डिवेल्पर्स भी यूज़ कर रहे हैं जब वो कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल सम सम टाइम्स कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही मतलब ये टास्क कंप्लीट हो साथ ही एक नोटिफिकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए ठीक है जी तो ये डेवलपर्स मोस्टली कर रहे होते हैं या जिस तरह रियल टाइम एग्जांपल हम लोगों ने अभी दो तीन लेक्चर्स uh, पहले मैंने आपको क्लाउड वॉच पढ़ाया था तो क्लाउड वॉच के ऊपर हमने एस एन एस एक टॉपिक कन्फिगर किया था आपको याद हो हम अलार्म क्रिएट करते थे और अलार्म क्रिएट करने के बाद हम कहते थे कि हमें एक ईमेल अलर्ट जो है वो रिसीव होना चाहिए तो ईमेल अलर्ट हमें कब रिसीव कैसे रिसीव होता था वो किस सर्विस के थ्रू रिसीव हो रहा होता था एसएनएस के थ्रू आप लोगों को याद होगा मैंने आपको कहा था कि एसएनएस टॉपिक में आगे कमिंग लेक्चर में बताऊंगा फिलहाल इसको समझ लें एस वर्क कैसे करता है ठीक है तो एस बेसिकली क्या कर रहा होता तो है एक सिंपल नोटिफिकेशन एक ई सेंड कर देता है आप मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं किसी भी नंबर पर ठीक है वो आप कर सकते हैं नोटिफिकेशन ई कर सकते हैं और फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ कर सकते हैं पुश मैसेजेस सेंड कर सकते हैं टू मोबाइल डिवाइसेस। एसएनएस एन अलाउज यू टू ग्रुप मल्टीपल यूजिंग टॉपिक्स आप करते क्या हैं आप एक टॉपिक क्रिएट करते हैं एसएनएस सर्विस के अंदर उस टॉपिक के अंदर आप सब्सक्राइबर्स ऐड करते हैं जो जो सब्सक्राइबर्स इस टॉपिक को सब्सक्राइब करेंगे फॉर एग्जाम्पल आज के केस में हम एक ई टॉपिक क्रिएट करेंगे ई के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन सेंड करेंगे मैं एक टॉपिक क्रिएट करता हूँ और टॉपिक के अंदर मैं अपना ई एड्रेस ऐड कर लेता हूँ जब जब मैं एक ई एड्रेस ऐड करूँगा तो होगा क्या बेसिकली मेरे ईमेल पे एक ईमेल आएगी फ्रॉम एसएनएस एन की तरफ से कि आप इस टॉपिक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं अगर मैं कंफर्म कर दूंगा सब्सक्रिप्शन तो मेरा क्या होगा वो टॉपिक को मैं सब्सक्राइब कर लूँगा ठीक है जितने भी रेसिपियंट उसमें मैं ऐड करूंगा वो फर्स्ट टाइम सारे उसको क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद जब भी मैं उस टॉपिक के ऊपर कोई ईमेल सेंड करूंगा या कोई मैसेज सेंड करूंगा तो उस टॉपिक के अंदर जितने भी रेसिपिएंट्स हैं उन सबको वो सेम नोटिफिकेशन रिसीव होगा ठीक है जी वन टॉपिक कैन सपोर्ट डिलीवरीज टू मल्टीपल एंड पॉइंट टाइप्स एंड पॉइंट आपके डिफरेंट हो सकते हैं कोई मोबाइल डिवाइस हो गए कोई मोबाइल मैसेजेस हो गए या कोई एच टी टी पी हो गई या ई मेल सर्विस हो गई ठीक है वो अभी हम जाके देखते हैं उसको आगे लैब में वन यू पब्लिश वंस टू अ टॉपिक एस एन एस डिलीवरीज अप्रोप्रेटली फॉर्मेटेड कॉपीज ऑफ योर मैसेज टू ईच सब्सक्राइबर जब आप पब्लिश करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर अपना मैसेज पब्लिश करते हैं नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर उस टॉपिक में जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे तो एस एन एस क्या करता है उसको सेम फॉर्मेटेड कॉपीज़ ऑफ़ योर मैसेज़ कॉपी हर सब्सक्राइबर को सेम कॉपी जो है वो डिलीवर करता है ठीक है तो अच्छा टॉपिक नेम जो है वो क्या होना चाहिए यूनिक होना चाहिए ये एक डायग्राम है ठीक है जी नेट से मैंने पिक की है इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ हमारे पास क्या है जी ये पब्लिशर है और यहाँ पर अमेजोन एस एन एस है इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे एक टॉपिक क्रिएट करेंगे एस एन एस टॉपिक उस टॉपिक के अंदर अब सब्सक्राइबर्स होंगे आपके वो सब्सक्राइबर्स आपके लेमडा में भी हो सकते हैं एस क्यू एस फॉर्म में भी हो सकते हैं एच टी टी पी एच टी टी पी एस फॉर्म में भी हो सकते हैं ई मेल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और एस एम एस की फॉर्म में भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं ठीक है हम आज के केस में क्या करेंगे एस एन एस टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और हम वो एस एन एस टॉपिक के अंदर रेसिपेंट्स कौन से ऐड करेंगे ई मेल प्रोटोकॉल ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज़ कर रहे होंगे जी ई मेल का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होंगे ठीक है फिर हम एक टॉपिक क्रिएट करके जब उस टॉपिक पर कोई चीज़ पब्लिश करेंगे तो वो आ, उसके अंदर रेसिपेंट कौन से होंगे ई मेल वे होंगे तो उस ई मेल पर क्या होगा हमें एक ईमेल रिसीव होगी जो भी हम पब्लिश करेंगे प्राइसिंग इज एज बिलो जी प्राइसिंग के हमारे पास मोबाइल पुश नोटिफिकेशन हैं वो पर मिलियन डॉलर हाफ डॉलर है ठीक है ईमेल नोटिफिकेशंस नोटिफिकेशन जो है वो हंड्रेड uh, थाउजेंड जो है वो अगर आप ईमेल नोटिफिकेशन करते हैं तो आपको टू डॉलर डिडक्शन होगी ठीक है फर्दर आप डिटेल में प्राइसिंग चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाके इस लिंक पे जा तो चलते हैं अपने लैब की तरफ ये कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है छोटा सा टॉपिक है आज का तो <coughs> अच्छा जी ये हमारे पास एस एन एस डैशबोर्ड आ गया सर्विसेज में जाएंगे आप सर्विसेज में जाने के बाद आप क्या करेंगे जी स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में आ जाए एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में ये आपको शो हो रहा है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस ठीक है इसको आप ओपन करेंगे सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस को एस एन एस डैशबोर्ड आ गया टॉपिक्स आ गए एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट मैसेजेस एस एन एस डैशबोर्ड में आप यहाँ देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं टॉपिक क्रिएट करना है कोई ठीक है कैसे क्रिएट करते हैं मैं बताता हूँ कोई प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करनी है या कोई आपने सब्सक्रिप्शन क्रिएट करनी है सब्सक्रिप्शन क्रिएट करनी है पब्लिश मैसेज पब्लिश करना है या कोई एस एम एस क्रिएट करना है एस एम एस सेंड करना है सॉरी ठीक है जी तो सबसे पहले हम क्रिएट टॉपिक टॉपिक क्रिएट करते हैं क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करें आप और क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करने के बाद एक सेकेंड लिए मैं इसको बंद कर दूँ अच्छा क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करने के बाद टॉपिक नेम विल बी यूज्ड टू क्रिएट अ परमानेंट यूनिक आइडेंटिफायर कार्ड एंड एमेजो रिसोर्स नेम ये एक एमेजोन रिसोर्स नेम क्रिएट कर देगा और ये क्या होगा यूनिक होना चाहिए आपका ठीक है टॉपिक नेम मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट नोटिफिकेशन हम कर लेते हैं टेस्ट नोटिफिकेशन कर लिया डिस्प्ले नेम यहां पे आप कर लें, मैं वेब टेस्ट या वेबसाइट टेस्ट कुछ भी आप कर लें वेब टेस्ट कह लेते हैं ठीक है फॉर टाइम टाइमिंग हम टेस्टिंग कर रहे हैं टॉपिक क्रिएट कर लिया ये देखें सिंपल टॉपिक क्रिएट हो गया अब टॉपिक क्रिएट होने के बाद एक सेकेंड में एडजस्ट कर लूँ अच्छा जी टॉपिक क्रिएट होने के बाद अब आप इस टॉपिक पे पब्लिश करना चाह रहे हैं आपको टॉपिक अभी शो नहीं हो रहा तो कैसे शो होगा टॉपिक पे क्लिक करें और ये देखें आपको टॉपिक शो हो गया जो अभी हमने टॉपिक क्रिएट किया है टेस्ट नोटिफिकेशन और ये उसका क्या आज ए आर एन नंबर अब टेस्ट नोटिफिकेशन क्रिएट न्यू टॉपिक करना चाह रहे हैं यहां से न्यू टॉपिक सेलेक्ट कर लें या आप इसी को सेलेक्ट करके एक्शंस में जाके फर्दर सेटिंग्स देखना चाह रहे हैं तो वो भी कर लें वो मैं भी आपको चलें पहले ये बता देता हूँ एड टॉपिक डिस्प्ले नेम आप ऐड करना चाह रहे हैं सब्सक्राइब टू टॉपिक इस टॉपिक पर सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं इस टॉपिक पर जब सब्सक्राइब करेंगे तो मीन्स चलें यह देख लेते हैं सब्सक्राइब टू टॉपिक ये देखें ये टॉपिक ए आर एन प्रोटोकॉल अब कौन सा प्रोटोकॉल आप इस टॉपिक पे सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं एच HTTP, टी टीपी एच टी टी पी एस ई मेल ई मेल जैसे और ये फर्दर फर्दरप्लीकेशन लेम एस एम एस वगैरह ठीक है जी तो मैं क्या करता हूँ ई मेल का प्रोटोकॉल यूज करना चाह रहा हूँ मैं क्या करूंगा यहाँ पे कोई ई मेल अपना सेंड कर दे सब्सक्राइब कर देता, देता हूँ मैं कहता हूँ चलें इसी को कर लेते हैं ये एक मेरा ई मेल है पुराना बना हुआ सी पता नहीं वर्क कर रहा है क्रिएट सब्सक्रिप्शन ठीक है अ कन्फर्मेशन मैसेज विल बी सेंड टू दिस अब उस ई मेल पर मुझे क्या चला गया एक मैसेज चला गया होगा अब वो मुझे मैसेज अगर रिसीव होगा उसके अंदर कन्फर्मेशन ई मेल होगी वो मैं कन्फर्म करूँगा तो उसके बाद में क्या कर सकता हूँ मैं इस टॉपिक पे सब्सक्राइब हो जाऊँगा इस टॉपिक को ओपन करें यह देखें यहाँ पर क्लिक करें आप तो ये आपको थोड़ा स्टॉट डाउन करें आपको ये शो कर रहा है टॉपिक ए आर एन ये है टॉपिक ऑनर दिस आई डी है रीजन इसमें है डिसप्ले नेम ये टॉपिक का नेम है और ये पेंडिंग कन्फर्मेशन आ रहा है ठीक है पेंडिंग कन्फर्मेशन क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक क्या किया है इसको जो ई मेल ये देखें मैंने ई मेल यहाँ पर ऐड किया हुआ है ये ई मेल क्या हो रहा है अभी तक शो नहीं हो रहा और सॉरी कन्फर्म नहीं हुआ ठीक है ये देखें ये एक ईमेल मैंने किया है मैं ट्राई करता हूँ इसको कंफर्म करने की लेट मी कंफर्म मैंने दूसरे लैपटॉप के ऊपर ओपन uh, किया हुआ है अपना ईमेल एड्रेस और उसमें मैं ज़रा जाके करता हूँ ये मुझे एक ईमेल आई हुई है और वो कह रहे हैं कि यू हैव चोजन टू सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक इफ़ यू वांट दिस दैन कंफर्म सब्सक्रिप्शन ये मैंने कंफर्म कर दिया है और कंफर्म करने के बाद अभी मैं यहाँ पे आपके सामने रिफ्रेश करूँगा तो ये पेंडिंग कन्फर्मेशन जो है वो क्या हो जाना चाहिए कन्फर्म हो जाना चाहिए ये देखें कन्फर्म हो गया मैंने रिफ़्रेश किया और ये क्या हो गया जी सब्सक्रिप्शन आईडी में मेरा क्या हो गया कंफर्म हो गया ठीक है मैंने दूसरी विंडो से जो है वो क्या कर लिया कंफर्म कर लिया अभी मैं आपके सामने वो ईमेल ओपन नहीं कर सकता था यहाँ पर तो ये हो गया कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन होगी अब इस टॉपिक पे जाते हैं टॉपिक क्या है मेरा टेस्ट नोटिफिकेशन इसके अंदर मैंने क्या किया यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और एक्शन में गया और सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक आप फर्दर सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं कोई और ईमेल एड्रेस आप सिंपल ये टॉपिक सेलेक्ट हो गया एच करना चाह रहे हैं मैं ई करना चाह रहा हूँ एच जो है वो मोस्टली एच टी टी पी यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है जी तो अभी ई मेल किया और मैं यहाँ पर कोई और एक ई एड्रेस एंटर कर दूंगा क्लियर सब्सक्रिप्शन करूँगा जितने भी मैं ई मेल ऐड करना चाह रहा हूँ वो सारे इस ए आर एन के अंदर इस टॉपिक के अंडर यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे वो सारे अप हो जाएंगे ठीक है जी और इसके अलावा फर्दर बैक करें टॉपिक्स में जाएं आप इस टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं फर्दर इसमें क्या कन्फर्म सब्सक्रिप्शन एडिट टॉपिक पॉलिसी आप ऐड करना चाह रहे हैं टॉपिक पॉलिसी में हम क्या ऐड कर सकते हैं जी देख लेते हैं ये टॉपिक किसने क्रिएट किया मैंने क्रिएट किया टॉपिक ऑनर कौन हूँ मैं हूँ अलाउ दिस यूजर्स टू पब्लिश मैसेज टू दिस टॉपिक कि इस टॉपिक के ऊपर कौन कौन पब्लिश मैसेज पब्लिश कर सके ओनली मी मैं कर सकूं जो इस टॉपिक का ऑनर है या एवरी वन एवरी वन मीन अगर मैंने आई ए एम के थ्रू आइडेंटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू इसमें यूजर्स काफी सारे क्रिएट किए हुए हैं अपने ए डब्ल्यू एस आई डी के अंदर तो वो सारे सेंड कर सकें या ओनली दीज ए डब्ल्यू एस यूजर्स या मैं स्पेसिफिक यूजर्स एड कर दूँ ठीक है जी ओनली दीज यूजर्स टू सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक इस टॉपिक पे सब्सक्राइब कौन कर सके सिर्फ मैं कर सकूँ मैं सब्सक्राइब करवा सकूँ या एवरी वन या दूसरे यूजर्स ठीक है जी पॉलिसी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं फर्दर इसमें क्या एक्शन हैं जी टॉपिक डिलीवरी पॉलिसी अच्छा अप्लाई दीज एच डिलीवरी पॉलिसीज़ दिसे थोड़ा सा डेवलपर साइट के और इतना डिटेल में भी जाना भी नहीं है जस्ट इसलिए इस कोर्स में जो है वो जस्ट कॉन्सेप्ट है डिलीवरी स्टेटस क्या है हमारे पास डिलीवरी स्टेटस पे चेक करते हैं ये भी हमारे पास जो है वो डेवलपर uh, साइट से रिलेटेड ऑप्शन और कुछ थोड़ा तो डिटेल में भी एक्चुअली इतना डिलेट डिटेल में हमने जाना नहीं है अभी आप इस टॉपिक को डिलीट करना चाह रहे हैं आप एक्शन सेलेक्ट करें और डिलीट टॉपिक डिलीट टॉपिक करेंगे वो टॉपिक क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा आपका ठीक है अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ टॉपिक मैंने क्रिएट कर लिया उसके अंदर सब्सक्रिप्शन भी मैंने ऐड कर ली अब आप पब्लिश करेंगे इस पब्लिश टू दिस टॉपिक तो ये आप देख सकते हैं टॉपिक कौन सा है जी मेरा ये वाला टॉपिक है टेस्ट नोटिफिकेशन जो कि अभी मैंने बनाया है Amazon SNS enables you to publish notifications to all the subscriptions associated associated with the topic, as well as to an individual endpoint associated with the platform application. तो वो कह रहा uh, है कि SNS वाला वो notification को publish करेगा जो इस topic के अंदर जितने भी subscribers associate हुए होंगे इसके साथ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ UITA test SNS, ठीक है? आप कुछ भी नेम रख लें यहाँ पे भी कह देते हैं जी दिस इज़ आवर फर्स्ट एस एन एस नोटिफिकेशन मैसेज ठीक हो गया स्क्रॉल डाउन करें इसको मैं अपना ईमेल ओपन कर लूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा भी सकूँ अच्छा दिस इज़ आर फर्स्ट नोटिफिकेशन मैसेज ठीक है जी और ये जेसन वगैरह आप करना चाह रहे हैं ये थोड़ा लैंग्वेज में आ जाता है हम अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे उस तरफ और यहाँ पे टाइम टू लिव आप रखना चाह रहे हैं रख लें जी मैं पाँच मिनट का टाइम टू लिव रख लेता हूँ ठीक है मैसेज्यूस तो भी, भी बाकी सार्ट डिफॉल्ट डिफ़ॉल्टैनल दें और यहाँ पे आप पब्लिश मैसेज पे क्लिक करेंगे ठीक है पब्लिश मैसेज पे भी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे मेरे पास ये देखें कुछ भी नहीं है मेरे पास एक ई आई थी अभी दो मिनट पहले ये देखें पाँच मिनट पहले जब मैंने सब्सक्राइब किया था यू हैव चोजन टू सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक मैंने यहाँ पर कन्फर्म किया था और ये क्या हो गया था कन्फर्म हो गया था ठीक है अभी वापस चलते हैं और देखते हैं कि मुझे दोबारा से जो है वो ईमेल आती है या नहीं आती पब्लिश मैसेज करते हैं मैसेज पब्लिश विद रिक्वेस्ट आईडी दिस ठीक हो गया मैसेज क्या हो गया जी पब्लिश हो गया इस टॉपिक के ऊपर अभी मुझे यहाँ पर एक ईमेल आनी चाहिए अच्छा चलें ये अभी आ जाएगी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इतनी देर में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टॉपिक मैंने आपको बता दिया टॉपिक किस तरह से क्रिएट करते हैं न्यू टॉपिक क्रिएट करना है उसके अंदर सब्सक्रिप्शन ऐड करनी है वो कर लें या आप अलग से सब्सक्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं ठीक है आप सब्सक्रिप्शन में जाएँ सब्सक्रिप्शन में अच्छा ये आपको शो हो रही है ये एक्चुअली मैं पुराने सब्सक्राइब करता रहा हूँ कुछ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा था तो ये भी डिलीट नहीं हुई वो कहते हैं ये डिलीट कब होंगे ये आफ्टर थ्री डेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती होती हैं ठीक है जी आपने घबराना नहीं है कि यह डिलीट क्यों नहीं हो रही और नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आप करना चाह रहे हैं क्रिएट सब्सक्रिप्शन एड ये मुझे आ गई है वेब टेस्ट ठीक है ये देखें ये ई आई है और वन मिनट अगो और इसमें लिखाओ दिस इज़ आर फर्स्ट एस एस नोटिफिकेशन मैसेज ठीक है और यू आई टी ए टेस्ट एस एन एस जो भी हमने टॉपिक का नेम रखा था तो अच्छा ये हमारी टेस्ट होगी अभी आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप अपने जब हम क्लाउड वॉश कन्फ़िकर कर रहे होते हैं वहाँ पे आप एस एन एस यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं या जब आप अलाम्स क्रिएट कर रहे होते हैं आप कहते हैं कि अगर ये थ्रेश वग़ैरह सेट करते हैं और आप कहते हैं जब मेरा थ्रेश शर्ट ब्रिज कर जाए तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए और साथ ही मेरा एक ऑटो स्केलिंग के थ्रू एक सर्वर अप हो जाए उसके लिए नोटिफिकेशन आप करना चाह रहे हैं या किसी और सर्विस में आप अमेज़ॉन में काफ़ी सारी सर्विस हैं जिनमें हम एस एस को यूज कर रहे होते हैं तो अभी आप क्रिएट सब्सक्रिप्शन अलग से अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे यहाँ पे टॉपिक ए आर एन देंगे अभी मेरा एक ही टॉपिक है ये ए आर एन है उसका ठीक है आपको पता होना चाहिए और एच डी टी भी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना चाह रहे हैं मैं कहता हूँ जी ई मेल यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं कोई और सब्सक्राइबर अगर मैं चलें यह भी कर लेते हैं ज़रा इसको मैं करना चाह रहा हूँ लेट्स टॉपिक डज़ नॉट एग्जिस्ट अच्छा वो कह रहा है ये टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं क्या करूँगा पहले मैं क्या करूँगा टॉपिक्स में जाऊँगा ये मेरा टॉपिक है अभी इस वक्त इसका मैं क्या करूँगा यहाँ से ए आर एन नंबर कॉपी करूंगा आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक या आप अलग से सब्सक्रिप्शन में जा के क्वेट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मैंने टॉपिक टॉपिक अपना कॉपी किया टॉपिक ए कॉपी किया और मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना चाह रहा हूँ ईमेल प्रोटोकॉल और यहाँ पे मैं एक वेब ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करता हूँ ठीक है ये क्रिएट सब्सक्रिप्शन हो गई अब वो कहते हैं जी या कन्फर्मेशन मैसेज हैज़ बिन सेंड ठीक है ये देखें आपको शो हो रहा है पेंडिंग कन्फर्मेशन ये एक आया हुआ है ये मैंने आई थिंक अच्छा ये मेरा वो दूसरा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कन्फर्म किया था अब आप दोबारा टॉपिक्स में जाएँ और ये अगर मैं टॉपिक में जाऊँ यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको ये नीचे शो होगा ये देखें मुझे ईमेल भी आ गई है और ईमेल में वो कह रहा है यू हैव चोज़न टू सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक मैं कहता हूँ कंफर्म सब्सक्रिप्शन कंफर्म सब्सक्रिप्शन करूँगा और ये देखें जी कब्सक्रिप्शन कन्फर्म्ड होगी है मेरी अब यहाँ पे ये देखें अभी तक आपको क्या आ रहा है पेंडिंग कन्फर्मेशन इस टॉपिक के अंदर मैंने एक और सब्सक्रिप्शन की है मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें वो भी क्या हो गया है कंफर्म हो गया ठीक है अब जब मैं दोबारा क्या करूंगा पब्लिश टू दिस टॉपिक मैं दोबारा टॉपिक्स में गया ये मेरा एक टॉपिक बना हुआ टेस्ट नोटिफिकेशन आप इधर फर्दर टॉपिक्स कर सकते हैं मैं इस टॉपिक को सिलेक्ट करूंगा पब्लिश टू नोटिफिकेशन पब्लिश करूंगा जब मैं तो यहां पे आप देख सकते हैं मैं क्या करूंगा अच्छा ये एक नोटिफिक एरल आ रहा है ये पुराना टॉपिक है वो डिलीट हुआ उसका एरल शो कर एर। रहा था घबराने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट यहां पर मैं ऐड करूंगा सब्जेक्ट कोई भी ऐड करूंगा टेस्ट मेलेट आउटलुक कर लेते हैं ठीक है वन टू टू थ्री ठीक है जी वेलकम टू यू आई टी एस एन एस ठीक हो गया अब मैं दोबारा सेंड करता हूँ आप रखना चाह रहे हैं रख लें और पब्लिश मैसेज मैंने मैसेज पब्लिश कर दिया जी अब मुझे क्या मेरे दो सब्सक्रिप्शन ऐड हैं अब मुझे दो नोटिफिकेशनस आने चाहिए ठीक है फर्दर आप अभी आ जाएंगे देखते हैं एप्लीकेशन में चले जाएँ कोई क्रिएट प्लेट प्लेटफॉर्म में अपलिकेशन करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं लेकिन ये मोस्टली जो है वो डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है और ये बहुत डिटेल में अभी डिटेल में हम जा नहीं रहे ये देखें मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया ये आप देख सकते हैं टेस्ट मेल एट आउटलुक और अभी एक और भी आना चाहिए दो मैंने और दोनों मेरे एक ई मेल पर कन्फिगर हुए हुए हैं सब्सक्रिप्शन आपने देख ली ठीक है जी सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कि सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं आप डिलीट करना चाह रहे हैं इसको डिलीट कर दें या सेक्शन में जाएं डिलीट सब्सक्रिप्शन कर दें वो डिलीट हो जाएगी लेकिन ये यहाँ पे शो होती रहेगी आफ्टर थ्री डेज यहाँ से डिलीट होगी फर्दर आप टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं टेक्स मैसेज में जाए जी मैंने टैक्स मैंने सेंड अ टेक्स मैसेज पर क्लिक करें यहाँ पर और सिंपल यहाँ पर प्रोमोशनल टेक्स मैसेज करना चाह रहे हैं या ट्रांजेक्शनल तो प्रमोशनल करें और यहाँ पे आप अपना नंबर इंटर करें यहाँ पे मैं कर चुका हूँ टेस्ट ठीक है ये प्रॉपर मैसेज सेंड होता है अंडर फ्री टायर जो है वो आप हंड्रेड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं अपने नंबर पे ठीक है जी यहाँ आपने मैसेज टाइप करें सेंडर आईडी कुछ भी टाइप करें और ये देखें जी दूसरा भी मुझे आ गया ठीक है सेकेंड वन दोनों मुझे आ गए नोटिफिकेशन क्योंकि उस टॉपिक के अंदर मैंने दो सब्सक्रिप्शन ऐड किए थे और दोनों सब्सक्रिप्शन पर मुझे नोटिफिकेशन आ गया ठीक है तो ये सेंड टेक्सट मैसेज है ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से ये भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ मैं भी आप लोगों को शो करवा नहीं सकता स्क्रीन पे यहाँ पे यहाँ पर आप अमेजोन एस एन एस स्पाइसिंग में चले जाएं पैाइसिंग में जाके आप यहाँ पे ये डिटेल देख सकते हैं लिखा हुआ सारे कितने मोबाइल पोस्ट नोटिफिकेस और जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं ठीक है जी और पब्लिशर्स नोटिफिकेशन डिलीवरीज़ आपको बता रहा है इसके कितने चार्जेस हैं ई के कितने चार्जेज हैं जी वन थाउजेंड अंडर फ्री टायर आप वन थाउजेंड ई मेल सेंड कर सकते हैं अंडर फ्री टायर आप वन हंड्रेड वर्ल्ड वाइड एस एम एस कर सकते हैं ठीक है एस क्यू एस पे आप कर सकते हैं लेमडा फंक्शन पे आप कर सकते हैं इसको हम बाद में देखेंगे इनशाला और डेटा uh, ट्रांसफर के आपको चार्जेस बता रहा है कितने डाटा ट्रांसफ़र के चार्जेस होंगे दिस एंड डेट ये सारा आप डिटेल्स है अब आप ये चीज़ें अब आप, आप देख सकते हैं आपको आइडिया होना चाहिए और uh, इसके अलावा चलते हैं जी बैक तो ये था जी आज का टॉपिक क्रिएट टॉपिक हमने कर लिया प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं यहाँ से कर सकते हैं मैंने आपको बताया है लेकिन ये डेवलपर्स मोस्टली यूज़ करते हैं और क्रिएट सब्सक्रिप्शन करना चाह रहे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं मैसेज पब्लिश कर करना चाह रहे हैं और ठीक है जी मैसेज पब्लिश करना चाह रहे हैं इसके अलावा आपके पास क्या पब्लिश है टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट मैसेज को पब्लिश करना चाह रहे हैं ये मैसेज पब्लिश आपका डायरेक्ट पब्लिश हुआ प्लेटफॉर्म एंड पॉइंट एंड पॉइंट अगर आपने ई सेंड किया सिलेक्ट किया हुआ तो ई मेल जाएगा ठीक है जी और क्रिएट टॉपिक टॉपिक क्रिएट करना चाह रहे हैं टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं मैं भी क्या करता हूँ टॉपिक को जो है वो डिलीट कर देता हूँ दिस एक्शन डिलीट टॉपिक टॉपिक डिलीट कर देते हैं यहाँ से ये देखें जी टॉपिक मेरा क्या हो गया डिलीट हो गया है और सब्सक्रिप्शन में दोबारा जाते हैं वहाँ पर जाके ये देखें ये अभी भी शो हो रहा है मुझे तो इनको हम डिलीट सब्सक्रिप्शन कर देते हैं ये देखें डिलीट होगी सब्सक्रिप्शन और ये सब्सक्रिप्शन भी क्या होगी जी डिलीट होगी ठीक है ये दो तीन रह गई हैं ये आफ्टर थ्री डेज अगर इसको भी मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें जी मुझे क्या एरर आता है डिलीट और ये मुझे कह रहा है पेंडिंग सब फिल्म के नॉट बी डिलीटेड अनकन्फर्म्ड विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर थ्री डेज़ ये अभी कंफर्म मैंने नहीं कि ये जब कंफर्म अगर नहीं करूँगा तो आफ्टर थ्री डेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी डिलीट हो जाएंगी ठीक है जी तो ये था आज का टॉपिक सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस हमने स्टडी किया है किस तरह से अगर आप आ, सिंपल नोटिफिकेशन जो है वो जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं और आज के लिए इतने रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है तब तक के लिए खुश रहें दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़